सीताराम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आज हम एक जनरल रीडिंग मैं करने वाली हूँ। जनरल रीडिंग आपके पार्टनर से रिलेटेड, अभी मॉर्निंग के थॉट्स क्या हैं और इस वक्त आपके पार्टनर की सोच क्या है, अभी उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस, आज मैं पाइल सिलेक्शन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, जितने भी थॉट्स आपके साथ रेजोनेट करेंगे, जितने भी मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट करेंगे, ठीक है, और अगर जो नहीं करेगा उसको आपको जाने देना है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग नहीं है गाइस ये, जब भी आप इसे देख रहे हैं ये आपको आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी दिखेगा उसके साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। आज हम देखेंगे कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की सोच क्या है, इस वक्त वो किस परिस्थिति में है, एंड इन फ्यूचर ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच सकते हैं। अभी मैं इन आप लोगों की कुछ करंट एनर्जीज भी चेक करूँगी कि अभी इस वक्त आप लोगों की क्या सिचुएशन है, तो आप उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही है। चलिए आइए जानते हैं हम एनर्जी ओरेकल्स के थ्रू। सबसे पहले कि अभी करंट में आपकी एनर्जीज कैसी हैं, एनर्जी ओरेकल्स के थ्रू मैं आप लोगों की पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि अभी करंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड में, प्लीज़ बालाजी मुझे बताइए कि अभी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी अभी करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए हुआ डोर टू वैल्यू। बालाजी मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो भी करंट में देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है। हीलर्स ऑफ द एजेस, बालाजी मुझे बताइए कि मेरे अभी करंट व्यूवर्स की एनर्जीज क्या। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। एक कार्ड और ले लूँगी मैं, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आपके कार्ड्स मैं सारे पुल आउट कर लेती हूँ। एंजाइटी, ठीक है। चलिए, ये फोर कार्ड्स आपके लिए आए हुए हैं। अब देख लेते हैं कि अभी करंट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी करंट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है द मून, सेकंड है द हर्मिट, थर्ड है द लवर, एंड फोर्थ है द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। लास्ट कार्ड आपके लिए टेन ऑफ कप्स, वेरी गुड, ठीक। और कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ मैं आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज को लेकर, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या रीज़न है जिस वजह से अभी कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ सिचुएशन सही नहीं चल रही है। मैं ये देख लेती हूँ, कमिटमेंट, इनसेपरेबल, मिस्टेक्स, इनडिसिसिव, ठीक है। ये कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के थ्रू भी मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है इस कार्ड्स के थ्रू। ट्री, एक्सपेक्टेशन, थ्रोन एंड लाइट हाउस। चलिए ठीक है गाइस, अब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये कार्ड्स मैं पहले एक तरफ रख लूँगी एंड फिर आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के थ्रू मैं आप लोगों की रीडिंग कर देती हूँ। सबसे पहले अगर अभी करंट एनर्जीज़ की आपकी बात की जाए, अभी यहाँ पे करंट एनर्जीज़ आप लोगों की कुछ ऐसी है कि अभी आप लोगों की कहीं ना कहीं मेन फोकस अभी आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है, या आप जॉब रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, फाइनेंशियल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करना पड़ रहा होगा। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स की बात कर लूँ, आपकी एज 31 हो सकती है, आपकी एज 51 हो सकती है, 13 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आप 18 ईयर्स के भी हो सकते हो, ठीक है। 13 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं। तो देखिए यहाँ पर एनर्जीज आपकी फर्स्ट तो यही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की फाइनेंस के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जॉब रिगार्डिंग हो सकती है, जॉब करते होंगे आप, कोई बिजनेस करते होंगे, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है,
ऐसे यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, एंड आपका मेन फोकस कहीं ना कहीं फर्स्ट फाइनेंस है, एंड कुछ अच्छी डोर आप ओपन होने के लिए सोच रहे हो या कुछ ट्राई कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा आप जॉब के लिए ट्राई करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ऐसे यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, या किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है वहाँ से रिजल्ट के लिए आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि कुछ लोग अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किस लिए कर रहे हैं? अपने आप को कहीं ना कहीं अवेकन करने के लिए, अपने आप को अलाइन करने के लिए, या कहीं ना कहीं आप लोगों की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आप लोगों की तरफ से नज़र आ रही है मुझे, और कुछ लोगों का यहाँ पर अपनी बॉडी को लेकर भी कहीं ना कहीं हीलिंग चल रही होगी। मे बी ये हो सकता है कि आप किसी हीलर से अपनी हीलिंग करवा रहे होंगे, ये भी कुछ हो सकता है। अभी एट प्रेजेंट में कुछ ऐसी भी एनर्जीज मुझे आप लोगों की तरफ से फील हो रही है कि आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा बॉडी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा होगा। प्लस इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको हो रही होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी आपको फील हो रही होगी। एक आपको बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता होगा जैसे मेरी बॉडी में बहुत आग सी लगी हुई है, ऐसी कुछ आपको एनर्जीज फील हो रही होगी। ठीक है, आप लोग कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं ऐसे भी जो काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट आपका नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप ईश्वर के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ईश्वर के साथ में अलाइन कर पा रहे हो, यहाँ पर ऐसी भी यहाँ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। थर्ड कार्ड है आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका फाइनेंस को लेकर ही कुछ ना कुछ इशूज चल रहे हैं, फाइनेंस ही कहीं ना कहीं आप लोगों का फर्स्ट अभी प्रायोरिटी है, एंड फाइनेंस को ही लेकर कहीं ना कहीं बहुत परेशानी वाली हालत में हो आप। तैयारी या कह सकते हो प्रिपरेशन फाइनेंस के रिगार्डिंग ही चल रही है, ट्राई जो भी कर रहे हो कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर ही कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला एंजाइटी, आप लोग बहुत एंजाइटी में हो, मेरे जीवन में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, अगर मेरा लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहा, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या मेरी अच्छी शादी नहीं हुई, या मुझे अच्छा पति नहीं मिला, या मेरे पार्टनर के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, तो ऐसी कुछ आप लोगों के तरफ से मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। ऐसा आप बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, और कुछ कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ। अब आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं कि अभी आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज क्या है। देखिए फर्स्ट ही कार्ड आपके लिए हुआ है मून, द मून का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको श्योरिटी नहीं मिल रही होगी, ये बहुत सारी चीज़ें छुपाते होंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और आपको इसी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से अनसर्टिनिटी फील होती होगी, मतलब आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं होते होंगे कि ये पर्सन मुझे प्यार करता भी है कि नहीं, ऐसा आपको कुछ फील होता होगा। अभी करंट में ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्टक एनर्जीज़ में है, इसको खुद ही श्योर नहीं है ये अपनी एनर्जीज़ को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर कि क्या मैं श्योर हूँ, क्या मैं मुझे इसके साथ आगे जाना चाहिए, ये सब चीज़ें लेकर ये कहीं ना कहीं श्योर नहीं है आपके जो पार्टनर हैं। ठीक है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी दूरियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दे रहे हैं, अपने आप पर ज़्यादा फोकस्ड ही मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज है कि ये खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, अपने आप को लेकर ज़्यादा कहीं ना कहीं डेडिकेटेड ये नज़र आ रहे हैं, और डेडिकेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके कैरियर को लेकर है, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर है। एनर्जीज आपके लिए आई हुई है लवर्स की, देखिए रोमांटिक एनर्जीज तो रखते हैं, रिलेशनशिप भी ये कहीं ना कहीं आपके साथ में आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, और कमिटेड लव आपके साथ में रखना चाहते हैं। अभी काफ़ी अफेक्शन आपके लिए रखते ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शो नहीं करते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है, सारे मेजर अरकाना ऐसे आए हुए हैं गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, और ऐसी यहाँ पर एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, तो रोमांटिक एनर्जीज ही आपके लिए रखते हैं और इक्वली आपको ट्रीट करना चाहते हैं, सोलमेट ही आपके हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर है आपके रिलेशनशिप पे वर्क भी करना चाहते हैं। पैशनेट एनर्जीज भी इसके तरफ से नज़र आ रही है आपके लिए, आपके जो पार्टनर हैं इनके तरफ से, और इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन आपके साथ में रखना चाहते हैं अभी, लेकिन कुछ सिचुएशन इनकी ऐसी ख़राब चल रही है,
या ये बोल सकते हो कि इनकी सिचुएशन इनको अपने अकॉर्डिंग नहीं लग रही है कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले पाए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है इनकी तरफ से, लेकिन ये आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, आपके लिए डेडिकेटेड भी रहना चाहते हैं एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज भी रखते हैं। हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ ऐसी कुछ एनर्जीज़ है आपको। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जीज़ में हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में कुछ इस तरीके का बिहेवियर रख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए श्योर है भी कि नहीं है। और अगर इस पर्सन की तरफ से बात की जाए तो ये आपके साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। अभी आपके साथ जो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या ऑन ऑफ एनर्जीज में है तो ये काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं और इनकी करंट एनर्जीज़ बहुत ही लो, इनकी वाइब्रेशन बहुत ही लो मुझे नज़र आ रही है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो एक्लिप्स वाली सिचुएशन इनके साथ में चल रही है, ना किसी को बता पा रहे हैं, ना किसी को जता पा रहे हैं, ना किसी के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर इनकी तरफ से कुछ एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं और कुछ आपके आपके पार्टनर की तरफ से कि ये इनकी तरफ से आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है इसका रीज़न क्या है। देखो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कमिटमेंट, आई थिंक आपने यहाँ पर इनसे कमिटमेंट की डिमांड की हुई हो सकती है, ठीक है। आपने इनसे कमिटमेंट की डिमांड की हुई हो सकती है और ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दे पाने की हालत में नहीं है अभी, क्योंकि ये काफ़ी स्टक है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेशन आया हुआ है, आप दोनों के बीच में काफ़ी परेशानी चल रही है, बहुत ऑन ऑफ एनर्जीज चल रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करना, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे के लिए अपोज मानना, ऐसे आप लोगों की कुछ एनर्जीज अभी करंट में चल रही है। और वो इस वजह से चल रही है क्योंकि शायद आपने कमिटमेंट को लेकर इनसे कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये पर्सन इनडिसिसिव मोड में है, मतलब ये इनएबिलिटी है इनकी वाली कि ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यही एक रीज़न हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बना के रखी हुई है, ये एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियों को लेकर कि क्योंकि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने तरफ से श्योर नहीं हो पा रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ये दूरियां आई हुई हैं। मिस्टेक्स की एनर्जी है, देखो यहाँ पर कुछ तो गलतियाँ इनसे भी हुई है, आपके पार्टनर की तरफ से भी, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ आपके थ्रू भी हुई है, ठीक है। तो ये जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है इसमें मिस्टेक्स आपकी भी है प्लस आपके पार्टनर की भी है, ऐसी एनर्जीज चल रही है। इसी वजह से कहने की आपका रिलेशनशिप अभी इस कगार पर आकर खड़ा हुआ है, भले ही आपके साथ में इन्होंने दूरियां कर ली है या आपने इनसे दूरियां कर ली है या इन्होंने आपसे दूरियां कर ली है, लेकिन फिर भी आप दोनों इनसेपरेबल हो, ना तो आप इनको भूल पा रहे हो, ना तो ये आपको भूल पा रहे हैं, ना ही किसी और को ये आपकी जगह दे पा रहे हैं, ना तो आप इनको उनको इनकी जगह पे किसी और को रख पा रहे हो, ठीक है। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। अब हम कुछ और कार्ड्स भी देख लेंगे आप लोगों के लिए, कुछ और कार्ड्स मैं आपके लिए देख लेती हूँ गाइस। देखिए फर्स्ट ही कार्ड आपके लिए आया हुआ है ट्री, ट्री की एनर्जी है और ट्री की एनर्जी के साथ ही साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है लेट देम गो, लेट देम गो की एनर्जी आई हुई है। मतलब इस कार्ड के थ्रू आपको ये बोला जा रहा है आपको अभी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को मान लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अभी इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं मान लेने की ज़रूरत है। क्या मान लेने की ज़रूरत है? ये जो पेन है इसको आपको एक्सेप्ट करना है, इस पेन को आपको एक्सेप्ट करना है, इस पेन को कहीं ना कहीं आपको अपनाना है। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर के साथ में रखी हुई थी। ये एक्सपेक्टेशन अगर आपकी इनके लिए नहीं होती तो आपको इतना पेन नहीं होता, इतना आपको दर्द नहीं होता। या ये हो सकता है कि जो टाइम पर आप इनके साथ में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे इस टाइम पर इसके तरफ से ऐसा डिसीज़न देखने को मिलना चाहिए या ये टाइम पर ही इसको ये डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये पर्सन खुद भी इस सिचुएशन में ही नहीं है कि आपके फेवर में कुछ डिसीज़न ले पा रहा है।
तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि अभी ये सिचुएशन को कहीं ना कहीं आपको एज इट इज सिचुएशन में छोड़ देना है, लेट देम गो की एनर्जी है, मतलब आपको इस सिचुएशन को अभी कहीं ना कहीं ऐसे ही छोड़ देना है। आपको अभी अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि वो खुद भी अभी कहीं ना कहीं सफरिंग वाले स्टेट में है, तो आपको इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं लेट लेट गो करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को कहीं ना कहीं लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डोंट डाउट योर वर्थ, आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी बहुत वैल्यू है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप डाउट कर करके, जो आप डाउट करते हो, डाउट कर करके आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लो कर रखा है। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने एनर्जीज़ को लो नहीं करना है, आप एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हो, एंड ब्रिलियंट पर्सनालिटी होने के साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये पर्सन डेफिनेटली आप ही के लिए है और आप ही के लिए एक्शंस लेंगे, आपकी ही इनकी लाइफ में वैल्यू है और आपके अलावा ये पर्सन किसी और की के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसी आप एनर्जीज है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए हुआ थॉर्न्स, थॉर्न्स की एनर्जी है, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। ये कार्ड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ये कार्ड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन को शो कर रहा है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है अभी करंट में कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो इनकी लाइफ में, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपको एक बहुत ही अल्टीमेट पर्सन मानते हैं, आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पर्सन हो इनकी लाइफ में, आप अमेजिंग हो इनकी लाइफ में। ठीक है, ऐसा यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं आपको। सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव वाली एनर्जीज में रहिए आप, सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव वाली एनर्जीज में रहिए, और आपकी कहीं ना कहीं बुद्धि बहुत अच्छी है, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हो। ठीक है, एंड आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। इस कार्ड के थ्रू मुझे आपके लिए ऐसी ही एनर्जीज नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना है, कार्ड वही आ गया आपके लिए एक्सपेक्टेशन का। डोंट सीक एनीवन अप्रूवल, आप अकेले ही केपेबल हो। ठीक है, आप अकेले ही इनफ हो, आपको किसी के भी तरफ से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए ये शो कर रहा है। चलिए मैं कुछ हैंडमेड कार्ड्स के थ्रू भी आपके लिए देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। आइए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से, मैं कुछ मैसेजेस नहीं, आज मैं कुछ आपके पार्टनर की तरफ से सॉन्ग्स देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से सॉन्ग की अगर बात की जाए, चैनल सॉन्ग है ये आपके लिए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, है ना, ये सॉन्ग आपने सुना हुआ है। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाह रहे हैं, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, ऐसे कुछ गाना है आई थिंक, है ना। ये आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ये कहना चाह रहे हैं, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेपरेशन में हैं, या आप लोग का सेपरेशन होने वाला है, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं, तू जो नज़रों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊँ कहीं, है ना। आपके पार्टनर की तरफ से ये आपके लिए गाना है, आपके लिए ये सॉन्ग है। कुछ पार्टनर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो नो कांटेक्ट में है और इन लोगों के बीच में बातें नहीं चल रही है, तो ये बोलना चाह रहे हैं, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है ना। तो आपके पार्टनर आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में आई थिंक सेपरेशन है, या हो सकता है कि आपने किसी के साथ में रिलेशनशिप तो रखा, लेकिन रिलेशनशिप रखने के बाद में आपने कहीं ना कहीं उनको मना कर दिया कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो आपके पार्टनर आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि प्यार झूठा था तो जताया ही क्यों। ठीक है, ये सॉन्ग आपके लिए है, और देख लेते हैं। और कुछ गाने देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, गाने नहीं है ये, एक तरीके से मैसेजेस है गाइज।
आपके पार्टनर की तरह हैं। कुछ कोई है जो आपको ये बोलना चाह रहा है, तू पहला पहला प्यार है मेरा? मतलब आई थिंक ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिनकी लाइफ में आपके अलावा कोई है ही नहीं, इन्होंने आपके अलावा किसी और से प्यार कभी किया ही नहीं है, ठीक है? कोई बोल रहे हैं तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, है ना? अगर आप हो तो इनकी लाइफ में सब कुछ है, ये भी कोई आपसे बोलना चाह रहा है। कोई है जो ये बोलना चाह रहा है, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं या रो रहा हूँ मैं, ठीक है? कोई बोल रहा है कि अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, ठीक है? तो गाइज ये आप लोगों के लिए कुछ सॉन्ग्स थे एंड कुछ मैसेजेस थे। कोई एक लास्ट और सॉन्ग देख लेती हूँ मैं, जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। मतलब कोई है जो ये आपको ये कहना चाह रहा है कि मैं तुमको भूल ही नहीं पा रहा हूँ भाई, है ना? जिस दिन मैंने तुमको भुला दिया वो दिन मेरा सबसे आखिरी दिन होगा, ठीक है? अब मैं कुछ हैंडमेड कार्ड के थ्रू आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ। देखो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया हुआ है फैमिली लव्स यू। मतलब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे फैमिली से दूर है, तो फैमिली वाले आपको ये बोलना चाह रहे कि फैमिली आपको लव करती है, फैमिली आपको प्यार करती है ना? ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आया हुआ है, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव्स यू, ठीक है? आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, ये इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं और ये आपसे प्यार करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आई वॉन्ट यू फॉर एवर, ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए हैप्पी लाइफ। आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाह रहे कि आपके साथ में एक हैप्पी लाइफ बिताना चाह रहे हैं, आपके साथ में एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आपको कि यू आर माई ड्रीम पर्सन, आप इनके ड्रीम पर्सन हो। ये बोलना चाह रहे हैं कि फीलिंग लोनली विदाउट यू। अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हो तो ये आपके लिए बहुत लोनली, आपके बिना लोनली फील कर रहे हैं। आई लव थिंकिंग अबाउट यू। कोई है जो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये आपके बारे में सोचना पसंद करते हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, ये आपके लिए बहुत एडिक्टेड है। कोई कहना चाह रहे हैं कि मैजिक हैंड से आपके वाले आप कुछ भी फिक्स कर सकते हो, अगर आप इनको हाथ भी लगा दो या आप इनको छू भी लो तो इनका जो भी पेन है वो दूर हो जाता है, हट जाता है, ठीक है? और कुछ कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं गाइस। एक आध कार्ड और मैं देख लेती हूँ आपके लिए। आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहो, ये ऐसा आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस थे गाइज अपने पार्टनर की तरफ से एंड ये आपकी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी। जिनके साथ मैं रेजोनेट की है बहुत अच्छी बात है, एंड जिनके साथ मैं रेजोनेट नहीं की है मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी गाइज आप लोगों के लिए। एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप लोग के साथ रेजोनेट करेगा, जिन लोग के साथ अभी रेजोनेट नहीं किया है। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है गाइज तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिए एंड शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।